माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के तीनों आरोपित शूटर्स को बुधवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने अतीक और उसके भाई की हत्या में छानबीन को लेकर तीनों शूटर्स से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी। न्यायालय ने पुलिस की अर्जी को मंजूरी दे दी है। डीजीसी क्रम होने के नाते बहुत विस्तार में न जाकर के आज तीनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय सीजीएम के न्यायालय में पेश किया गया कड़ी सुरक्षा में, और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा दी गई दरखास्त पर यह आदेश पारित किया कि अभियुक्त गणों को दिनांक 19/4/23 से 2 बजे से लेकर के 23/4/2023 को 5 बजे तक के लिए उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाता है, और तदुपरांत 23/4/23 को उनको जहां से वो लाए गए हैं उसी जेल में उनको दाखिल करेंगे। पुलिस कस्टडी में बीते दिनों माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके से तीन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए हत्यारोपियों में बांदा का लवलेश तिवारी, कासगंज का अरुण मौर्य व हमीरपुर का सनी है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त भारत में प्रतिबंधित जिगना पिस्टल बरामद की गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम देने वाले तीनों आरोपितों को बुधवार प्रतापगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज न्यायालय लाया गया। यहां पर तीनों को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने हत्या की साजिश से जुड़े तथ्यों को जुटाने के लिए तीनों की रिमांड अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूर कर लिया है। रिमांड अर्जी मिलते ही पुलिस तीनों शूटर्स को न्यायालय से सुरक्षा घेरे में लेकर निकली। यहां से तीनों शूटर्स को लेकर मेडिकल कराने काल्विन अस्पताल लेकर पहुंची है। मेडिकल के बाद तीनों को रिमांड में लेकर पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ हत्या की साजिश के राज खंगालने का प्रयास करेगी। पुलिस अब तीनों शूटर्स से अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में पूछताछ करेगी। पूछताछ में इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठने के आसार हैं। तीनों आरोपितों से पूछताछ में इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सकती है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं और उनकी मंशा क्या रही। I'm going to buy this side.